गोल्डन पब्लिक कोचिंग सेंटर के द्वारा आयोजित गणतंत्रता दिवस के मौके पे इस कार्यक्रम के सदर सदर आलम साहब और संचालन कर रहे और इस कोचिंग के डायरेक्टर साथी और मित्र, मैं यूं कहूं कि इतने बड़े समाज सेवी भी शिक्षा दान के साथ साथ समाज की सेवा करने वाले भाई परवेश साहब इस मौके पे पूर्व विधायक मतातुल्य रजिया खातून जी, छोटे भाई और प्रखर वक्ता बाबू साहब जी इस मौके पे, बड़े भाई और पूर्व के दिनों से भी लगातार सामाजिक और राजनीतिक प्रदेश स्तर पे इनकी अपनी पहचान और सामाजिक तौर पर भी हमेशा लगे रहने वाले मेरे बड़े भाई डॉक्टर खुर्शीद साहब, हमारे साथी और मित्र, क्या नाम है उनके बगल में, गुड्डू भाई, न उनके जस्ट बगल में गुड्डू भाई, नाम तो इनका कैठो है लेकिन आपके ही घर के और बीएसपी के वरीय नेता प्रदेश स्तर के भाई गुड्डू साहब इस मौके पे समाज सेवी और जिला पार्षद गीता देवी जी और उनके पति और मेरे छोटे भाई मैनेजर यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर नेता प्रदेश स्तर के नेता भाई शंभू प्रसाद जी, हरसिद्धि के जिला पार्षद भाई राजेंद्र यादव जी, माननीय जिला पार्षद बलिराम जी और इस मौके पे मौजूद तमाम अभिभावकगण, गार्जियनों, नौजवान साथियों, बच्चों एवं बच्चियों, इस मौके पर हम आप सबों का अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते प्रवेश साहब को कि आपने हर वर्ष एक इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक गरीबों के बीच काम करते, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उसके साथ ही आप यह मंच लगा करके कौमी एकता को भी मजबूत करने का काम करते हैं। और यह देश जब गुलाम था, हिंदुस्तान के सभी धर्म और जातियों के लोगों ने इसे आजाद करने के लिए अपनी खून की बलि देने का काम किया था। यह देश किसी एक धर्म और एक जाति का नहीं, यह देश सभी धर्म और सभी जातियों के रहने वाले हिंदुस्तानियों का है। और हम हिंदुस्तानी जितने हैं, वह पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद किसी कम के लोग बोलते हैं। और यह देश आजाद करने में अंबेडकर जी, इन तमाम सरीखे को भुलाया नहीं जा सकता। और निश्चित तौर पर आज के दिन हम सबों को इस तिरंगा, जो कई हमारी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो माता अपनी गोद सुन्नी करके इस देश के तिरंगा को लहराने का, कलरवाने का काम किया, हमारे समाज की बहनें अपनी मांग की सेंदूर न्योछावर करके इस तिरंगे को लहरवाने का काम किया, उसको आज हम याद करते हैं। हम नमन करते हैं उन बलिदानियों को, हम नमन करते हैं उन कुर्बानियों को आज इस मौके पे। और संकल्पित होने की जरूरत है नौजवान साथियों, जो बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं, आज संकल्पित होने की जरूरत है कि इस देश की जो तिरंगा हमारी शान है, इस वतन की जो तिरंगा हमारी शान है, इसके रक्षा के लिए चाहे हमको जितनी जहदोजहद तक जाना पड़े, इसकी सुरक्षा के लिए लगातार हम काम करते रहेंगे। और इसके तिरंगा को झुकाने की प्रयास करने वाली ताकतों के खिलाफ हम एक हिंदुस्तानी हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, यह अपने अंदर संकल्पित होने की जरूरत है। और आज हम ज्यादा कुछ नहीं, बच्चे उपस्थित हैं और कार्यक्रम
देखने के लिए बेचैन हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम पुनः धन्यवाद देना चाहते कि आप आज कोदाल भी देखा है प्रवेश साहब के द्वारा किसानों को वितरण किया जा रहा है, हर कंबल भी वितरण किया जाता है जा रहा है, महिलाओं को गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो एक तरफ गरीबी के तरफ आपकी निगाहें, तो दूसरी तरफ यह देश कृषि प्रधान देश है और किसान अगर नहीं होते तो यह देश नहीं होता, उन्हें भी आप सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद आपको देना चाहते हैं। लेकिन तमाम किसान और कुदाल चलाने वाले लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप कुदाल इस बार जरूर ले लीजिए, लेकिन आपका बेटा परवेश साहब के कोचिंग में कलम कैसे पकड़े इसकी व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। कारण कि किसी एक परिवार को हमेशा कुदाल उसके हाथों में रहे यह नहीं चलेगा। अब कुदाल थामने वाले कुदाल चलाने वाले का बेटा भी कलम चलावे यह व्यवस्था इस देश में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है कि कुदाल चलाने वाला का बेटा ISIPS हो तब यह सही कहा जाएगा कि हिंदुस्तान का सिस्टम सही रूप से चल रहा है, नहीं तो कलम चलाने वाले IAS का बेटा ही और जमींदारों का बेटा ही लगातार उस पदों पर जाता रहे और यह गरीब और किसान और मजदूर जो है जो गांवों में काम करते पसीना और खून बहा करके हमको अन्न उपजा करके देते हैं, तब AC में बैठे हुए लोग मजे का भोजन लेते हैं, उनके बेटा भी सही मानों में ISIPS और BPSC तब बनेंगे। हम प्रवेश जैसे साथी को धन्यवाद देना चाहते और मुबारकबाद देना चाहते कि इस गांव में आपने जो पैदा लिया है, हम आपके पिता को भी नमन करना चाहते, आपके अब्बा को नमन करना चाहते कि आप जैसे बेटा को पैदा करके इस गांव के में शिक्षा का हुए। मुबारकबाद देते हुए अपने शब्द को विराम देते, जय हिंद जय भारत।